वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सो so, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ की पोइम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की समरी तो स्टार्ट करते हैं द ह्यूमरस पोइम सुजेस सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स तो ये जो ह्यूमरस पोइम है वो कुछ डेंजरस वे बताती है कि किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस पोइट सेज इज दैट इफ़ द रोर ऑफ एनिमल इज़ सो फ्यसम दैट यू फील लाइक यू आर डाइंग देन यू कैन बी श्योर दैट यू आर नियर अ एशियन लॉइंग तो इस पोइम का जो पोइट है वो कहता है कि अगर आपको ऐसी कोई साउंड सुनाई दे रोर की कि आपको लगे कि आप मरने वाले हो तो श्योर हो जो कि वो एशियन लॉइन है वट डू इफ़ यू सी वाइल्ड एनिमल विद अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो बॉडी इफ़ ही स्टार्स ईटिंग यू एंड यू बी श्योर दैट इट इज़ द बंगॉल टाइगर तो तब क्या है जब एक एनिमल होगा जिसके ऊपर क्या होगी ब्लैक uh, स्ट्राइप्स होगी और वो आपको खाने पर आएगा तो श्योर हो जो कि वो कौन है वो बंगाल टाइगर है इफ़ यू हैपन टू सी एन एनिमल विद द स्पॉट्स, वेट अंटिल द लीव ऑन यू बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड यू क्राई इट विल कंटिन्यू पाउंसिंग ऑन यू सो बी क्लियर एंड डोंट अलो टू लीप ऑन यू सो आप अगर ऐसा कोई एनिमल दिखे जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हो तो वो कौन होगा लेपर्ड होगा वो आपके ऊपर क्या करेगा पाउंस करेगा बट आप उसको अलो मत करना कि वो आपके ऊपर पाउंस कर पाए मतलब कि लेप्ट कर पाए बियर्स कैन गिव रियली टाइट हग ऑल्थो अ फ्रेंडली हग इज रेफर टू एज अ बियर हग तो so, बियर आपको एक टाइट हक देगा सम एनिमल्स आर फेमस फॉर देयर वियर्ड बिहेवियर तो कुछ एनिमल्स क्या है अपने वियर्ड बिहेवियर के लिए फेमस है फॉर एग्जांपल जैसे कि लाफिंग ऑफ हाइना वॉइस रिसेंबल ह्यूमन्स लाफिंग साउंड तो जो लाफिंग है हाइना की ऐसा लगता है कि ह्यूमन हंस रहा है अ क्रोकोडाइल इज सेट टू टीयर्स वाइल ईटिंग इट्स प्रियू सो डू नॉट वेट फॉर हाइना लाफ और अ क्रोकोडाइल टू वी तो हाइना ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है जब वो अपने प्रियो को खाता है और जो क्रोकोडाइल है वो ऐसा लगता है कि वो रो रहा है तो उन दोनों को हाइना को हंसने की और क्रोकोडाइल को रो रोने की वेट मत करो अ चैमिलियन और अ गार्डन डिजार्ट इज़ एन एक्सपर्ट एट द कैम्यूफ्लैग तो अपना कलर चेंज करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होती है इफ़ यू आर अनेबल टू सी थिंग ऑन देन ऑन ट्री अगर आप ट्री पर कोई भी चीज़ नहीं देख पा रहे दैन चांसेस आर कैमिलियन इज सिटिंग देयर तो काफ़ी चांसेस है कि कैमिलियन जो है वो वहाँ पर बैठी हुई है एज इट चेंजेस कलर वो अपना कलर चेंज कर लेती है एज़ पर इट्स सराउंडिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी अपने सराउंडिंग के हिसाब से तो उसको देखना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है दिस कैपेसिटी ऑफ कैम्यू फ्लैग ये जो कैपेसिटी है किसकी कैम्यू फ्लैग की हेल्प्स द लिजार्ड इन सेविंग इट फ्रॉम द हंटर्स तो उसकी हेल्प करती है उसको हंटर से बचाने के लिए तो दिस इज द समरी ऑफ हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स आई होप आपको सारी समरी अच्छे से समझ आ गई होगी सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग